हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी फोरफिटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये कैपिटल गेन का हम लोग ने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जिसका लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्रैक्टिकल मीनिंग देखा था कि एडवांस मनी फोरफिट होता है तो लॉजिक देखा था कि उसको टैक्सेबल कैसे किया जाता है। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर एक्स ने परचेस किया था हाउस प्रॉपर्टी दिसंबर 1993 में 5,25,000 में, एंड अमाउंट ऑफ 1,75,000 वाज स्पेंट ऑन इम्प्रूवमेंट, रिपेयर्स किया था 1997 में, ठीक है, चार साल के बाद। उसके बाद दिया था प्रॉपर्टी वाज प्रपोज टू बी सोल्ड टू जेड, जेड को बेचने वाले थे, एंड एडवांस ऑफ 40,000 वाज टेकन फ्रॉम हिम, 40,000 का एडवांस ले लिया। देखो एडवांस मनी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। एज एट द टाइम मनी वॉज नॉट पेड इन टाइम, टाइम पे जेड ने पैसा नहीं भरा, एक्स ने फोरफिट कर दिया एडवांस एंड सब्सिक्वेंटली सोल्ड द प्रॉपर्टी टू वाई इन द मंथ ऑफ 2023 फॉर 5,52,000। आई बात समझ में? तो अब चेक करने का, ये जो एडवांस मनी मिला ये कब की बात है, 2017, क्योंकि एडवांस मनी की टैक्सेबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड है, एक बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर आफ्टर किसके, 1 अप्रैल 2014 से। तो ये बिफोर का है। बिफोर में क्या होता है, ये 40,000 आपको इसका बेनिफिट कब मिलेगा, जब प्रॉपर्टी बिकेगी। तो कब बिक रही है, 2023 में बिक रही है, ठीक है। आगे देखो दिया है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन दिस डेट वॉज 11,90,000, स्टैम्प ड्यूटी वॉल 10,10,000, वॉट इज द कैपिटल गेन चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स फॉर 23-24। तो पूरा ये कुछ CII दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज किया था 93 में, रिपेयर किया 97 में, 40,000 का एडवांस मिला जो फोरफिट हो गया, फिर उसको 2007 के बाद सीधा 23 में बेचा 52 लाख में, फेयर मार्केट वैल्यू थी 11,90,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसका 10,20,000। आपको निकालना है कैपिटल गेन। तो आपको पता होना चाहिए एडवांस मनी का दो ही इफेक्ट है, अगर बिफोर 1/4/2024 है तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होता है। अगर ये 2007 की जगह 2017 होता तो 40,000 को हम लोग अलग से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करते, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, देखो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला हम लोग पार्टी का नाम लिख लेंगे, तो ये लिख लिया एक्स, प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24 कैपिटल गेन निकालना है, पर्टिकुलर अमाउंट करके लिख देना है। और कैपिटल गेन कैसे निकलता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स कंसिडरेशन, उसके बाद लिखते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस, उसके बाद लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर दिया है तो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर है तो निकालो, नहीं है तो छोड़ दो। इन सबको माइनस करेंगे कैपिटल गेन मिलेगा, यही है ना कैपिटल गेन का, इसका भी अलग से वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो अब फॉर्मेट लिख दिया हम लोग ने, सेल्स में से ट्रांसफर एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट। अब सबसे पहला जो सेल कंसिडरेशन दिया वो कितना दिया है, तो देख लो कितने में प्रॉपर्टी बिकी, तो प्रॉपर्टी बिकी है 52 लाख का, तो सबसे पहला वही पॉइंट लिख दो। तो ये देखो मैंने लिख दिया 52 लाख। फिर ट्रांसफर एक्सपेंस, तो ट्रांसफर एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया था, सिर्फ ये एडवांस मनी दिया था, तो उसको हम लोग जीरो कर देंगे। अब एक्विजिशन आता है, एक्विजिशन में क्या है, प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, 1993 में, तो लिखने का प्रॉपर्टी वॉज परचेज ऑन 1993, वो टाइम पे उसका कॉस्ट कितना था, 5,25,000। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी 2001 से पहले अगर परचेज होगा तो हम लोग को फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ता है। ये डेट से पहले अगर प्रॉपर्टी परचेज किया है, ये 2001 है नॉट 21, से पहले परचेज किया है तो आपको उसको फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 का देखना पड़ेगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 इज गिवेन एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड 11,92,000, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन होता था, जो बड़ा रहता तो 11,90,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, लेकिन इधर पे एक और चीज़ दी गई है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो याद रखने का कि कुछ भी फेयर मार्केट वैल्यू हो स्टैम्प ड्यूटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो स्टैम्प ड्यूटी भी नीचे लिख लिया। अब ये तीनों में से, पहले तो ये दोनों में से हायर लेने का, फिर इसके साथ कंपेयर करके देखने का कि स्टैम्प ड्यूटी से वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे बताया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ ओरिजिनल और FMV शुड नॉट बी एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ये दोनों को कंपेयर कर लिया, मैं इसको रेड कर देता हूँ,
कर लिया तो 11,90,000 आया, ये वाला अमाउंट आएगा। अब इसको देखने का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 10,20,000 ही है ना, तो आपका जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो सिर्फ और सिर्फ 10,20,000 आएगा। तो देखो खरीदा कभी था उसको, 5,25,000 में खरीदा था, लेकिन ये टाइम पे इन्फ्लेशन नहीं था, मतलब था आपके मतलब रूल के हिसाब से 1 अप्रैल 2001 पे उसका वैल्यू था 11,90,000, तो दोनों में कंपैरिजन हुआ, 11,90,000 आंसर आया। फिर उसको स्टैम्प ड्यूटी से कंपेयर किया तो उसका वैल्यू था 10,20,000, वहाँ तक उसको लिमिट कर दिया। अब इसके अंदर ये जो एडवांस मनी है 40,000, ये माइनस होंगी। अब बोलेंगे सर क्यों माइनस होगी, क्योंकि ये 40,000 जो मिला है और फोरफिट हुआ है वो 1 अप्रैल 2014 से पहले मिला है, और आपका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर कोई एडवांस मिलता है और फोरफिट हो जाता है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या होगा, माइनस होगा। इसलिए यहाँ पे से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 40,000। और यही चीज़ अगर 1 अप्रैल 2015 होती तो यहाँ पे 40 नहीं लिखते, उसको अलग से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करते हैं। आई बात समझ में, तो ये चीज़ है। तो इसमें माइनस किया तो आपको आंसर आएगा 9,80,000, और फिर 9,80,000 को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे, या आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है 9,80,000 × 331, क्योंकि हम लोग 20 to 23 का निकाल रहे हैं, तो 20 to 23 का रेट जो है वो 331 है, और ये जो वैल्यू लिया है वो हम लोग 100 से ही लेंगे, क्योंकि ये सब 2001 के ऊपर चल रहा है, उसका वैल्यू 100 डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 32,43,800। समझ में आया, यस और नो? तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलता है, और भी इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है वो देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंप्रूवमेंट पे। इंप्रूवमेंट मतलब रिपेयर होता है, रिपेयर को इग्नोर करना है। क्यों करना है? कोई भी रिपेयर्स, याद रखना कैपिटल गेन के अंदर कोई भी रिपेयर अगर इस डेट से पहले है तो इग्नोर करने का। तो देखो इम्प्रूवमेंट जो हुआ वो 1997 में हुआ, तो इसलिए इसको इग्नोर किया, ये आएगा जीरो वैल्यू। अब इसको इसमें से माइनस करो, कैपिटल गेन आएगा 19,56,000, तो 19,56,200 ये आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। समझ में आया, यस और नो? प्रॉपर्टी देखो 90, प्रॉपर्टी इस डेट से पहले परचेज किया है तो कंपैरिजन करने का, अगर इम्प्रूवमेंट इस डेट से पहले किया है तो इग्नोर करने का, याद रखना ये चीज़। आई बात समझ में? तो इस तरीके से स्लम सेल का ये क्वेश्चन हम लोग ने देखा, सॉरी एडवांस मनी फोरफिटेड का क्वेश्चन हम लोग ने देखा। आप इसको गो थ्रू करो, आपको लगता है अभी तक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।